हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 क्लास 12 का कवर करने वाली हूँ, विच इज़ इंडिगो एंड इट इज़ रिटन बाय लुइस फिशर। ये इसका पार्ट 2 है, जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आप मेरा चैनल पहली बार ही देख रहे हैं, मेरी वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं, देन प्लीज़ गो अहेड चेकआउट माई चैनल। आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को एंड कॉमेंट डाउन करिए अपने सजेशंस एंड रिव्यूज़। विद दैट, अब हमने जैसा कि मैंने यहाँ पे थीम आपको तीन बताए थे, सिविल डिसोबीडियंस, सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमिक सोशल अपलिफ्टमेंट, तो पहले थीम, क्योंकि वो बहुत बड़ा थीम था, सिविल डिसोबीडियंस ही हम कवर कर पाए, पर इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल्फ रिलायंस और इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट दोनों को विद द हेल्प ऑफ माई नोट्स। इस वीडियो की एंड में मैं बिल्कुल एनसीईआरटी में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करी हैं वो आपको बताऊंगी एंड आपको एक तरीके से समझाऊंगी कि मेरे नोट्स में सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है, तो इनमें कुछ आपको नया चीज नहीं मिलने वाली है। सो विद दैट लेट अस स्टार्ट। सो यहां पर हमने एंड तक पढ़ा था कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस की विक्ट्री हुई थी। अब उस विक्ट्री के बाद क्या क्या काम हुए थे, उस विक्ट्री से क्या क्या फायदा हुआ था, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। गांधी ट्राइड टू सिक्योर जस्टिस फॉर फार्मर्स, देयरफॉर डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, नोट्स वर मेड एंड अबाउट 10,000 रिटन एप्लीकेशंस, यहां पर वही 10,000 मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है, दे वर गिवन टू सर एडविड गेट टू सेट अप एन इंक्वायरी। सो यहाँ पर ठीक है, एक बैटल वन हो गई है। कैसे वन हुई है? पहली बात, लॉयर्स उनके साथ हैं, दूसरी बात कि जो गांधी जी के ऊपर जो केस था वो कैसे ड्रॉप कर दिया गया था। सो इसलिए एक तरीके से हमने वो बैटल को विन कर लिया है। पर यहाँ पर अब जो पैसे उन्होंने लिए थे ब्रिटिशर्स ने, एंशियंट अरेंजमेंट के बाद खत्म होने के बाद जो जर्मन सिंथेटिक इंडिगो से लिए थे, वो पैसे वापस लेने का टाइम आ गया है। तो इसलिए उन्होंने ये जो है, पहले तो आपका सिक्योर जस्टिस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, उसके बाद एक क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस, सो डॉक्यूमेंट्स या फिर एविडेंस वॉज गिवन टू इंक्वायरी कमीशन, जो इंक्वायरी कमीशन सर एडवर्ड गेट के साथ बैठी थी, उसमें एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे। एंड द लैंडलॉर्ड्स वर आस्क्ड टू मेक रीपेमेंट्स, लैंडलॉर्ड्स को हमने पूछा गया था दैट दे शुड मेक रीपेमेंट्स, वापस करने पड़ेंगे वो पैसे। डेडलॉक वॉज क्रिएटेड, डेडलॉक वॉज क्रिएटेड का मतलब होता है कि डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे दोनों पार्टीज बात नहीं मान रही है एंड कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है। द लैंडलॉर्ड्स दे वर नॉट रेडी टू पे अ रिफंड ऑफ 50%, वेल गांधी जी वॉज एडमेंट एंड डिमांडेड 50% मनी बैक, हेंस अ डेडलॉक वॉज क्रिएटेड। सो यहां पर जो 50% पैसे लैंडलॉर्ड्स देने को तैयार नहीं थे, गांधी जी एडमेंट थे कि हम 50% ही वापस लेंगे एंड डेडलॉक क्रिएट हो गया था, कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था। फिर वही डेडलॉक ब्रोकन हुआ, कैसे हुआ? द डेडलॉक वॉज ब्रोकन वेन गांधी अग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% ऑफ रिफंड टेकन अनोनिमसली, ही अग्रीड स्टेटिंग दैट मोर द मनी द प्राइड प्रेजिडिस लिबर्टी ऑफ द फार्मर्स वॉज रिस्टोर्ड, दैट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। तो आगे में पता चलता है कि आगे जाके गांधी जी 25% रिफंड में मान गए थे, जबकि अर्लियर वो 55% पे एडमेंट थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो मनी है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर ये तीन वर्ड्स जो मैंने लिखे, प्राइड प्रेजिडिस एंड लिबर्टी इन फार्मर्स की, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आप इसे कह सकते हैं। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि अब कुछ भी गलत करने से, कुछ भी गलत जो आप कहते हैं ब्रिटिशर्स ने करा था इंडियंस के साथ, अब वो करने से पहले वो सोचेंगे, क्योंकि अब इंडियंस फाइट बैक कर रहे थे। सो इसलिए एक तरीके से जो उनकी लिबर्टी है, जो उनका प्राइड है, वो वापस आ रहा है उनके अंदर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स के अंदर एक फियर भी आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम अपना सेकेंड थीम कवर करने वाले हैं, ये थीम नंबर 2 है हमारा, सेल्फ रिलायंस। सो द बिग प्लांटर्स बिहेव लाइक ओवरलॉर्ड्स, बट थ्रू दिस एपिसोड इट वुड मेड क्लियर दैट इवन फार्मर्स हैव राइट एंड दे कैन फाइट फॉर देम। सो वही है कि जो ओवरलॉर्ड्स पहले समझते थे कि फार्मर्स के पास कोई राइट नहीं है, वो लड़ नहीं सकते, नाउ इवन दे हैव राइट एंड दे कैन फाइट फॉर देमसेल्व्स। इट वॉज लेसन इन सेल्फ रिलायंस एंड फार्मर्स लर्नड करेज। सो जो फार्मर्स हैं उन्होंने करेज सीखा कि कैसे वो कर सकते हैं। तो अगर आपको सेल्फ रिलायंस का कभी एग्जाम्पल आएगा कि आप थोड़ा सेल्फ रिलायंस को एक्सप्लेन करें, तो आप जरूर 25% रिफंड का एग्जाम्पल देंगे। ये सेल्फ रिलायंस का एग्जाम्पल है जिसमें फार्मर्स ने करेज को भी सीखा। नेक्स्ट अब हम एपिसोड पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ये पेसिमिन है। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले चार्ल्स फ्री एंड्रयूज के बारे में, ये कौन थे एंड क्या इनके लिए प्रॉब्लम हुई थी गांधी जी को, सो वो अब हम पढ़ते हैं। सो इंग्लिश पेसिमिन, ही वॉज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ गांधी, ही वॉन्टेड टू हेल्प देम बिफोर गोइंग ऑन अ टूअर टू फीजी आइलैंड।
ही वॉज विलिंग टू स्टे एट चंपारण. सो जो यहाँ पर चार्ल्स फ्रांडियोज है, जैसा मैं नाम से ही पता चलता है, ही वॉज एन इंग्लिश मैन. वो डिवोट फॉलोअर थे गांधी जी को. देखिए जो इंग्लिश लोग थे वो सारे ही गलत नहीं थे. कुछ थे जो ऑफिशियल्स थे जिनके पास अथॉरिटी थी, जो कैप्चर करना चाहते थे, पर उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी को उनके काम के लिए अप्रिशिएट करते थे. तो वो एक तरीके से उनके डिवोट फॉलोअर थे. तो वो हेल्प करना चाहते थे गांधी जी को. वो चाहते थे एक पीस हो एंड इंडियंस को उनका राइट मिले, एंड इसलिए वो ही वॉज विलिंग टू स्टे इन चंपारण. वो हेल्प करना चाहते थे, वॉलंटियर करना चाहते थे फिजी आइलैंड जाने से पहले. गांधी जी स्ट्रांगली अपोज्ड. उन्होंने मना करा. क्यों मना करा? द आइडिया सेइंग ही विल नॉट टेक हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स टू फाइट ब्रिटिशर्स. ही सेड इट वुड शो आर वीकनेस एज द बैटल इज जस्टिफाइड. दिस वे ही वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस टू अचीव इंडिपेंडेंस. तो आगे हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैसे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ही विल नॉट टेक हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स टू फाइट ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी वीकनेस को हाईलाइट करेगा. सो ये जो वीकनेस है वो हम वीक नहीं है. सो हमारी कोई वीकनेस नहीं है, हम आपकी हेल्प नहीं लेना चाहते. ये भी एक सेल्फ रिलायंस का एग्जाम्पल है. कैसे आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप सेल्फ पे रिलाई करेंगे एंड आप अपनी अचीव करेंगे इंडिपेंडेंस को. नेक्स्ट, अब हमारा जो थर्ड थीम था वो कवर करेंगे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर अपलिफ्टमेंट को. After solving the problem of indigo sharecropping, Gandhi wanted to remove cultural and economic backwardness. So यही आप बोल सकते हैं, cultural and economic, social and economic जो backwardness को remove करना चाहते थे. He wanted to empower them through education and health. तो ये आप points में याद करिए. First point, second point, क्या करना चाहते थे? पहला education को better करना चाहते थे. Next करना चाहते थे आपकी health conditions को वो better करना चाहते थे. तो महादेवी देसाई एंड नानेहारी पार्क एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द लैंड. सो उन्होंने जो बहुत इन्फ्लुएंशियल उनके फ्रेंड्स थे, महादेवी देसाई एंड नानेहारी पार्क, उनकी वाइफ्स आई वॉलंटियर करने, एंड बहुत सारे और भी लोग बॉम्बे एंड पुणे एंड अदर डिस्टिंक्ट पार्ट्स से आए थे हेल्प करने. देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव फ्रॉम आश्रम विद मिसेस गांधी. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए थे. कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लेनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. कस्तूरबाई ने जो है वो अगेन यहाँ पर ये हेल्थ कंडीशन है, ये देख लीजिए एजुकेशन, ये हेल्थ कंडीशन, कैसे क्लेनलीनेस एंड कम्युनिटी, ये अगर आप वर्ड्स यूज करेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं. ये जो आपका इंग्लिश का जो पेपर चेक हो रहा होता है तो उसमें कीवर्ड्स आंसर की तरह हमें कीवर्ड्स दिए जाते हैं, तो अगर आपने यही आंसर्स में अपने ये वर्ड्स यूज़ करे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है टीचर्स को, एंड आपको बिल्कुल ही वर्ड्स देखते ही नंबर मिलते हैं, कोई डिटेल में फिर नहीं पढ़ रहा होता अगर आपने इतने वर्ड्स मैंशन करे होते हैं तो. सो कस्तूरबा यहाँ पे जो है उन्होंने टॉट करा था आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लेनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. गांधी गॉट डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स. 3 मेडिसिन वर अवेलेबल. ये 3 मेडिसिन जो अवेलेबल थी इनको प्लीज याद कर लीजिए, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट थी. ये भी आप मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है. कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये तीनों जो थी वो अवेलेबल थी. नेक्स्ट यहाँ पर हम ये एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं. वॉट वॉज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टूवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. तो पहले मैं एक क्वेश्चन समझाना चाहूंगी कि एडवोकेट्स ऑफ होम रूल क्या होते हैं. सो जो आपके गाँव में लोग रहते हैं, जो होम रूल का मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया को, इंडिपेंडेंट एक इंडिया की गवर्नमेंट चाहते हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके एडवोकेट्स हैं, उन लोगों के प्रति, उन लोगों के टूवर्ड्स बेसिकली एवरेज इंडियन का क्या बिहेवियर था, क्या स्वभाव था उनका. पीपल हु डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट नेशन, हु वॉन्टेड टू मेक इंडिया फ्री एंड इम्प्लीमेंट इट्स ओन गवर्नमेंट आर कॉल्ड एडवोकेट्स ऑफ होम रूल हियर. तो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल पहले आप एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट, पीपल सपोर्टिंग होम रूल और पीपल शोइंग सिंपथी टूवर्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सपोर्टर्स ऑफ होम रूल एंड दे वर अज्यूम टू बी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो अगर आप होम रूल को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप होम रूल की जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप उनके तरफ सिंपथी आप उनकी तरफ उनकी हेल्प करते हैं बेसिकली, तो भी आपको होम रूल का ही सपोर्टर माना जाता है एंड आपको अगेंस्ट माना जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के.
People in smaller localities therefore avoided interactions with them, and for a government employer like Professor Malkani, harboring their leader, which was Gandhi, was quite a big deal in those days. So आगे हमें पता चलता है कि कैसे जो smaller localities में लोग हैं, because उनको कोई fight में कोई problem में नहीं पड़ना है, इसलिए वो avoid करते थे अपने सारी interactions. And लेकिन उस time पे जो Professor Malkani थे वो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, एंड उन्होंने गांधी जी को घर दिया, अपने घर में रहने दिया. तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं आप उसके ही अगेंस्ट हैं. एंड विद दिस अब हम आपकी यहाँ पे NCERT से जो मैंने आपको कहा था वो कवर करते हैं, क्योंकि नोट्स से तो खत्म हो चुका है चैप्टर. सो यहाँ पर मैं चैप्टर रीड नहीं करने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी है मैं बस वो मेक श्योर कर रही हूँ कि कुछ उनमें से अलग नहीं है. सो ये स्टार्ट होता है अगेन गांधी जी के बारे में कि कैसे ये स्टोरी स्टार्ट होती है. इसमें जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आपके राजकुमार शुक्ला से स्टार्ट होती है. चंपारण की लोकेशन जो मैंने ऑलरेडी नोट्स में बताई हुई है उससे स्टार्ट होती है, कैसे जो राजकुमार शुक्ला थे वो इलिटरेट थे बट रेजोल्यूट थे. इलिटरेट मतलब वो अनपढ़ थे बट उनके अंदर इतनी कॉमन सेंस थी. ऐसे लोगों को हम स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं. सो जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं ठीक है, उन्हें बुक नॉलेज नहीं होती पर उनको लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं. तो यहाँ पर रेजोल्यूट थे, उन्होंने अगेन डिटरमाइंड थे, उनका पीछा नहीं छोड़ा गांधी जी का, एंड इसलिए उनको एंड में गांधी जी उनके साथ जाने को रेडी हो गए थे. सो वही है, शुक्ला कंपनीड हिम एवरीवेयर बिकॉज ही नेवर लेफ्ट हिज साइट. नेक्स्ट अब यहाँ पर जो थे फिक्स डेट, यहाँ पर जो आपके शुक्ला जी हैं उन्होंने बोला गांधी जी से, एंड इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टेनिसिटी, वही अगेन डिटर्मिनेशन है या फिर परसिस्टेंट जो उनके एफर्ट्स थे. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक ही आंसर में यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अलग वर्ड्स यूज़ करिए. विद दिस वो चले उनके साथ, देन वो कहाँ पहुँचे, वो पहले गए आपके राजेंद्र प्रसाद के घर की तरफ जा रहे थे. वो वहाँ पर उनके साथ दो चीज़ें हुई हैं जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की तरह 1 और 2 लिखा भी हुआ है. पहली चीज़ हुई कि उन्हें कंपाउंड एरिया में रखा गया, उनको वहाँ से अपना मतलब घर के अंदर नहीं आने दिया गया. सेकेंड चीज़ हुई कि उनको वेल से पानी तक नहीं लेने दिया गया. नेक्स्ट वो मुजफ्फरपुर गए हैं. मुजफ्फरपुर क्यों गए थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टॉक टू द लॉयर्स. थोड़ा एक जो कहते हैं टेक्निकल साइड, लॉ की साइड जानना चाहते थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, एंड ऑब्टेन मोर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग. सो जितना शुक्ला जी को नहीं पता था उससे ज़्यादा जानने के लिए वो चाहते थे वहाँ पर लोगों से मिलना, वहाँ पे लॉयर्स से मिलना. सो वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी जो है, जब भी मैंने आपको बताया प्रोफेसर मलकानी ने उन्हें अपने घर में रखा. ही वॉज ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, टीचर थे वो गवर्नमेंट स्कूल में ही थे वहाँ पर. सो इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दोज डेज, वही अभी मैंने जस्ट अभी कवर करा है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने जब वो लॉयर्स से मिले, उन्हें रॉकेट हाई फीस के बारे में पता चला तो उन्होंने कैसे चिड अवे कर दिया बेसिकली हमारे लॉयर्स को, एंड अनाउंस कर दिया कि ही विल स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स. नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस होता है दैट ही इज फ्री फ्रॉम फियर एंड दे आर लिबरेटेड. सो वही सेल्फ रिलायंस का सिविल डिसोबीडियंस की जो लड़ाई थी वो स्टार्ट हुई है यहाँ पे. BLA, BOC जो यहाँ पर मैंने मेंशन करा हुआ है, BLA ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, BOC ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन होती है. कैसे इन दोनों के पास वो गए, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि BOC ने उन्हें क्विट चंपारण करने को भी कहा, पर दोनों ने बेसिकली कहा कि हम आउटसाइडर को अपने अपनी जो लोकेलिटी है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे. इसके साथ एंशंट अरेंजमेंट ऑफ शेयर क्रॉपिंग जो ऑलरेडी समझा चुकी हूँ वो कवर हुआ है ये वाले पैराज में, एंड यो 15% अरेंजमेंट से वो कैसे बच ऑटोमेटिकली जाते, पर ब्रिटिशर्स ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसकी वजह से उन्होंने लूट लिया बेसिकली फार्मर्स को. एंड उसके बाद ये ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन जो है यहाँ पे BOC पहला BLA था, इनके पास गए. उसके बाद वो जो माल ट्रीटेड इल ट्रीटेड हुए थे तो वो मोतिहारी गए थे. यहाँ पर नियर बाय विलेज जो है यहाँ पर वो है मोतिहारी, जो अभी हमें नेक्स्ट पेज पर पता चलेगा. एंड कैसे पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें मैसेंजर ने उन्हें बोला टू रिटर्न टू हिज टाउन. सो यह है आंसर फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जहाँ पे क्विट चंपारण एंड उन्हें बोला गया था एंड उन्होंने इस ऑर्डर को डिसोबे किया था. सो यहाँ पर अगेन मोतिहारी, ये मैंने कहा था नेक्स्ट पेज पे मिलेगा. सो जहाँ पर आपका जो मोतिहारी है ब्लैक विथ पीजन, सो यहाँ पर अगेन उनके खिलाफ उन्हें जेल में डाला गया. मोतिहारी में अगले दिन
ये देखिए, मॉर्निंग फाउंड द टाउन मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंस. ब्लैक विथ पीजेंस क्योंकि पीजेंस का रंग थोड़ा ब्लैक होता है. एंड उन्होंने सबने डेमोन्स्ट्रेशन, बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे. सो द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश. अगेन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज हैं जो हमारा कवर हो चुका है. एंड बेसिकली ऐसे ही ये मैंने यहाँ पे सारा कवर कर दिया है. स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ इट हेल्प्ड यू. थैंक यू, बाय.